और पेश है खबरों की तफसील। SSC इम्तिहानात मुलतवी करने के बाद उठी एग्जाम्स को कैंसिल करने की मांग। इस बीच CM KCR कल पीर को करेंगे हाई लेवल मीटिंग। SSC एग्जाम्स को लेकर लिया जा सकता है बड़ा फैसला। देखिए तफसील इस खास रिपोर्ट में। तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से पहले GHMC लिमिट्स को छोड़कर पूरे तेलंगाना में SSC एग्जाम्स मुनक्कद करने की हिदायत और फिर उसके फौरी बाद CM KCR की जानिब से रियासत भर में SSC एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया। ऐसे में अब भी खबर सामने आई है कि तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव पीर को प्रगति भवन में जायजा इजलास तलब करेंगे ताकि 10वीं जमात के इम्तिहान मुनक्कद करने के सिलसिले में फैसला किया जा सके। ये इजलास 2 बजे दिन होगा जिसमें वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी भी शिरकत करेंगी। इस इजलास में 10वीं जमात के इम्तिहानात मुनक्कद करने के तमाम मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा और इसी के मुताबिक फैसला भी लिया जाएगा। दूसरी जानिब तेलंगाना BJP ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया है कि वह इंटरनल मार्क्स की बुनियाद पर 10वीं जमात के तलबा को बगैर इम्तिहानात मुनक्कद करे कामयाब करार दे, क्योंकि हुकूमत कोरोना पर काबू पाने में मसरूफ है। BJP के MLC N रामचंद्र राव ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। इस सूरत हाल की वजह से 10वीं जमात के तलबा और उनके वालिदैन परेशान हैं। रामचंद्र राव के मुताबिक TRS हुकूमत को चाहिए कि वो पंजाब हुकूमत जैसा इकदाम करे जिसने बगैर इम्तिहानात मुनक्कद किए 10वीं जमात के तमाम तलबा को प्रमोट कर दिया। ऐसे में खबर ये भी सामने आ रही है कि SSC क्लास के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स यूनियनों ने मुतालबा किया है कि वह इन इम्तिहानात को मुलतवी करने के बजाय मनसूख ही कर दे। N नारायणा सदर तेलंगाना पेरेंट्स एसोसिएशन ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के दरमियान इम्तिहानात मुनक्कद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे तलबा में इस वायरस का खतरा हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि इम्तिहानात को ही मनसूख कर दिया जाए और तलबा को इंटरनल असेसमेंट की बुनियाद पर ग्रेड पॉइंट्स दिए जाएं।